इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं और साथ ही विद्याशंकर तिवारी सर हैं। और आज हम बात करेंगे सितारों का संग्राम कितना दिलचस्प होता है। बात भारतीय क्रिकेट के दो सितारों की, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो सबसे बड़े सितारे इस वक्त भारतीय क्रिकेट के। लेकिन संग्राम, इन दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। ये मनमुटाव शुरू उस वक्त से हुआ था जब रोहित ने और शिखर धवन ने विराट से जुड़ी जो मैनेजमेंट कंपनी है वहां से खुद को अलग किया था। लेकिन वो बात पुरानी हो गई, लेकिन बात पुरानी तो जरूर ही, लेकिन बात असर दिखा रही है अभी तक। फिलहाल की ताजा खबर ये है कि रोहित शर्मा ने अनफॉलो किया है अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर। पहले उन्होंने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया था, अब विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को भी कर दिया है। विद्याशंकर सर, आपका पहला कमेंट। देखिए, मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ने जो ये काम किया है अनफॉलो करने वाला, वो थोड़ा सा बचकाना है। यदि टीम के अंदर कुछ चल भी रहा है तो वो शो नहीं होना चाहिए था, प्रदर्शित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि अभी आप न्यूजीलैंड से जितनी बुरी तरह से हारे, अब तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में रिफ्ट था, उसका भी उस पर असर था। विवाद की खबरें तो आती रही हैं कि रोहित और विराट नाम के दो गुट हैं, जो परफॉर्म करता है रोहित का गुट, रोहित के गुट में एक दो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करते हैं तो वो उनको टीम में रखना मजबूरी है। लेकिन चूंकि विराट और रवि शास्त्री की चलती है, लिहाजा रोहित के खेमे की बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब धोनी अपनी कप्तानी के लास्ट दिनों में थोड़ा सा उतने अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, फॉर्म में नहीं थे, तब विराट कोहली और रवि शास्त्री का यही व्यवहार धोनी के साथ हुआ करता था, आप याद कीजिए उसको। और अंदर खाने रिफ्ट की बातें और तनाव की बातें उस समय खूब चली थी। बाद में धोनी ने होशियारी की, अपने को पीछे कर लिया था क्योंकि ये दोनों जने मिल गए थे, ऐसा कहा जाता है। और अब वही काम, देखिए प्रकृति का नियम बड़ा अजीब होता है, वही काम अब एकदम सेम जो है रोहित शर्मा उनके साथ कर रहे हैं। आपको ओम प्रकाश जी ये प्रकृति का नियम लग रहा है या फिर आपको लगता है कि बस हो गया? देखिए, जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है और हम तिवारी जी की बात से सहमत हैं। इसके दो बड़े कारण हैं, जैसा कि आपने कहा कि जब उन्होंने मैनेजमेंट कंपनी से अपने आप को अलग किया तब दोनों लोगों में दरार हुई, उसके बाद में जब सेमीफाइनल ठीक है, लेकिन एक बात है ना, धोनी की भी अपनी एक मैनेजमेंट कंपनी है जो उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त रहे हैं, वो उस मैनेजमेंट कंपनी को देखते हैं। कई खिलाड़ी जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, इसको इस विवाद को एक अलग रखना चाहिए, ना कि इस विवाद को हम लेकर आए कि उसको खेल पर हावी होने दें या फिर उसको आपसी रिश्तों पर हावी होने दें। देखिए, जब सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था तो उस समय विराट कोहली ने, जैसे उनको विराट कोहली और रवि शास्त्री ने मिलकर धोनी को रोके रखा लेट तक, रोहित नहीं चाहते थे कि धोनी इतनी बाद में बैटिंग करने जाए, एक तो बात वो सामने आई। दूसरी बात ये आई कि जब ये रविंद्र जडेजा गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे सेमीफाइनल मैच में, तब रोहित खुश हो रहे थे, और जैसे ही आउट हुए तो रोहित एकदम से डाउन हो गए, फिर उनको वहां पर उनको कोई नहीं। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है ना, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि रोहित ने जिस तरीके की इनिंग खेली है इस वर्ल्ड कप में, रिकॉर्ड तोड़ दिए शतकों के मामले में, और अगर भारत यहां पर वर्ल्ड कप जीतता तो रोहित की ये पारी ऐतिहासिक हो जाती, अमर हो जाती, ये पूरा वर्ल्ड कप रोहित के लिए अमर हो जाता। तो बतौर खिलाड़ी वो ये नहीं चाहते थे कि इतने सारे शतकों के साथ वो बिना ट्रॉफी लिए जाएं, तो इस उदासी की एक वजह ये भी हो सकती है। जी हां, ये वजह हो भी सकती है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक इंटरव्यू भी किया था विराट कोहली ने रोहित शर्मा का, जिसमें उन्होंने 5 शतकों की बात पूछी थी कि आप 5 शतक क्यों लगाते हैं, आप ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि जो 5 शतक लगातार लगाते चले जा रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावटी थी। लेकिन कुल मानकर बात यह है कि ना विराट कोहली की रोहित से पटती, ना रोहित की विराट कोहली से नहीं। तो एक बात विद्या सर बताइए कि ठीक है, रोहित ने विराट को अनफॉलो किया यहाँ तक ठीक है, उनकी पत्नी को भी अनफॉलो कर दिया, यही जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, विराट को भी उन्हें नहीं करना चाहिए, यदि पत्नी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, विराट को भी नहीं, मतलब अनुष्का शर्मा को बीच में लाने की हमारे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। यदि अंदर खाने रिफ्ट चल भी रहा है, यदि आप इतनी बुरी तरह से सेमीफाइनल हार भी गए और उसमें रोहित शर्मा को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हो रही थी, तो भी वो सब बातें अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, या आप जो है बैठ करके उसको सुलझाइए। यदि ये पब्लिकली ये प्रदर्शित हो रहा है ना, तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बन रहा है, और अभी टीम का सिलेक्शन होना है, अच्छा, कोच का सिलेक्शन होना है। आपको ये लगता है कि सितारे अपने किसी विवाद को इस तरह बैठकर सुलझाते हैं, बल्कि वो तो आते हैं कोई एक ऐसा एक्शन दे देंगे जिससे ये खबर बाहर चली जाए कि रिफ्ट चल रहा है, या फिर कोई ऐसा एक छोटा सा बयान दे देंगे, या फिर कोई ऐसा सा ट्वीट कर देंगे, या फिर जैसे अभी रोहित ने किया कि इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दो। रोहित को खूब बढ़िया से पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बात तो वो जानबूझ करके मैसेज दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो
टीम का सिलेक्शन होना है, जो कप्तान वगैरह का डिसीजन होना है, कोच का होना है, इसमें अपने अपने तरीके से, अब मैं इसमें दो गुट शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो दो गुट बन गए हैं ना वो दोनों अपने अपने तरीके से मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, किसको, सेलेक्टर्स को, कि अब आपको आगे क्या करना है, जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि बात यही है ना कि इस फॉर्मेट के जो है राजा विराट कोहली कप्तान और इस फॉर्मेट के हो जाए ये रोहित शर्मा कप्तान। ये तो एक चर्चा के तौर पर आई थी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब सेमीफाइनल मैच चल रहा था और जब ये किस बल्लेबाज को कहां पर भेजा जाए कहां पर ना भेजा जाए, इसके बाद जब दो फाड़ हुए खिलाड़ियों में, तो भरत अरुण जो हमारे फील्डिंग कोच हैं उन्होंने कहा कि टीम के अंदर इस समय गुटबाजी चल रही है और दो धड़े में टीम विभक्त है, एक धड़ा विराट कोहली की तरफ है और एक धड़ा रोहित शर्मा की तरफ है, तो उन्होंने उस समय ही बता दिया था भरत अरुण ने, ठीक है। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है कि रोहित शर्मा ने तो विराट को अनफॉलो कर दिया, अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया जी। लेकिन विराट अभी अपनी जगह है, ना तो उन्होंने रोहित को अनफॉलो किया है ना तो उन्होंने रोहित की पत्नी को अनफॉलो किया। अब इसका मतलब यह है कि विराट को ये समझ में आ रहा है कि कैप्टन होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब भी किसी टीम को आप लीड कर रहे होते हैं तब वो है उसमें आपको जिम्मेदारी के साथ जो है व्यवहार करना पड़ता है, जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ता है। तो विवाद भी सुलझा लेते तो थोड़ा बेहतर होता, विवाद सुलझा लेते हो सकता है कि अब वो इस स्टेज पे हो कि उनकी उनसे सिर्फ बात न बन रही हो, क्योंकि रोहित शर्मा को मैं इतना मतलब इमेच्योर भी नहीं कह सकते भाई, आप इतना बढ़िया खेल रहे हैं तो इमेच्योर भी नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी जरूर गंभीर अंदर खाने बात है कि जिसकी वजह से ये सबकी नौबत आई। और हमें तो एक बात ये नजर आ रही है साफ कि जब वेस्टइंडीज टूर पर जाने वाली टीम थी उससे पहले ये कहा गया था कि विराट कोहली जसप्रीत बुमराह सहित कुछ खिलाड़ियों को जो सीनियर खिलाड़ी उनको आराम दिया जाएगा, और वहीं अंदर ये बात चल रही थी कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे और हो सकता जो इन कोच फील्डिंग कोच और जो कुछ कोच है टीम इंडिया का जो कोचिंग स्टाफ है उसका 45 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है समय, उसके बाद कोचिंग स्टाफ पूरा बदल दिया जाएगा और उसमें आवेदन मंगा भी लिया, मंगा भी लिया गया फील्डिंग कोच का, तो जूंटी रोस ने डाल भी दिया, पूरा स्टाफ ही चेंज होगा, पूरा स्टाफ चेंज। आप याद कीजिए ना कि अनिल कुंबले के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किसके चक्कर में हुआ था, विराट कोहली के चक्कर में हुआ था। मैं अपनी बात पहले पूरी करना चाहता हूं, तो उसके बाद में फिर विराट कोहली की आप देखिए कि वो कितने महत्वाकांक्षी हैं, उन्होंने सोचा कि कहीं कप्तानी हमसे छीन न जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत वनडे T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट जाने के लिए वेस्टइंडीज जाने का उन्होंने आनंद फानंद फैसला कर लिया, जबकि उनको रेस्ट पर जाना था। नहीं, हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि टीम के कप्तान विराट कोहली है, हमने स्पेशल बाकायदा स्टोरी भी की ये जो थीम लेकिन लग रही है वो रोहित शर्मा की थीम लग रही है टीम की। अब देखिए जब कुछ जैसे आग जलती है, जब धुआं उड़ता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होती है, इसी बात कही जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि रोहित और विराट के बीच ऐसा बहुत कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो टीम की बात की जाए कि जो दो धड़ों में विभक्त है तो ये निश्चित बात है कि टीम ठीक है। चलिए, टीम का विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन विद्या सर ये बताइए कि क्या ये पूरा बचकाना नहीं है थोड़ा सा? मैं तो शुरू में ही बोला कि एक तो विराट कोहली को ही उनको अनफॉलो नहीं करना चाहिए था, आपका कैप्टन है, ठीक है ना, और उसके बाद आप ये तो बचपन में हम लोग करते थे कि चलिए भाई आपसे नाराजगी हो गई तो भाई अपना पेंसिल आप पकड़ लो, अपना रबड़ आप पकड़ लो, हमारा ये दे दो, हमारा पूरा समझ जाइए कि यदि हम लोगों ने भी किया है तो बचकाना था। मैंने तो पहले ही कहा कि बचपन में हमने किया, ठीक है, कि जब बचपन में छोटे में हमने किया। और इसके आगे जो अनुष्का शर्मा तक बात पहुंची है वो तो बहुत ज्यादा बचकाना है, ठीक है, घर तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जो कि घर तक ड्रेसिंग रूम में सुलझा लेना चाहिए किसी विवाद को। लेकिन हमें ये लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ गहरे मतभेद हैं, क्योंकि रोहित को आप बचकाना नहीं कह सकते, कोहली से पहले का उनका डेब्यू है। नहीं नहीं, हम हरकत को बचकाना कह रहे हैं जी, और कोहली से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बचकाना तो नहीं कहा जा सकता इनमें, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये नहीं बचकाना से मतलब ये सिंबॉलिक है, आपका व्यवहार जो है ना वो मैच्योर नहीं है, उसमें मैच्योरिटी नहीं झलक रही है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। आप बहुत पुराने खिलाड़ी हो सकते हैं, बूढ़ा आदमी भी बचकाना व्यवहार कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है जिस पर हम चर्चा अभी कर रहे थे कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने पहले विराट कोहली को अनफॉलो किया था, फिर अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम के अपने हैंडल से। सवाल ये उठता है कि ये विवाद है या फिर इसकी वजह कुछ और है, लेकिन जो जानकार हैं, जो चर्चा में बात निकल कर सामने आ रही है कि ये विवाद ही है और इसके पीछे वजह सिंबॉलिक हो सकती है, रोहित शर्मा हो सकता है कोई संकेत देना चाह रहे हैं। अब किसको संकेत देना चाह रहे हैं इसके तो हम और आप सिर्फ कयासी लगा सकते हैं। चलिए, फिलहाल हम इस चर्चा को रोकेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आते रहें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।